ये है मयंक त्रिपाठी। कन्नौज के एक सामान्य परिवार से आते हैं जहां उनके पिता कलेक्ट्रेट में प्रधान सहायक हैं। मयंक ने यूपीएससी परीक्षा में अपने पहले प्रयास में 337वीं रैंक हासिल की, जो कि अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। यह सफलता उन्होंने व्यक्तिगत प्रयासों और निरंतर अध्ययन के बल पर हासिल की। मयंक के इस जीवन परिवर्तनकारी क्षण की शुरुआत हुई एक सपने से, जहां उन्होंने अपने पिता के सपनों को साकार करने का निश्चय किया। मयंक ने अपनी पढ़ाई के लिए नियमित रूटीन अपनाया और प्रतिदिन 8 से 10 घंटे की पढ़ाई की। उनकी तैयारी में खास तौर पर ध्यान दिया गया था समय प्रबंधन और सही रणनीति पर। मयंक की सफलता का आधार था उनका दृढ़ विश्वास और उनके परिवार का अटूट समर्थन। तो चलिए जानते हैं कि मयंक की इस यात्रा में उन्होंने किस तरह की पढ़ाई की, कैसे तैयारी की और किन रणनीतियों को अपनाया। तो रिजल्ट आया है उसमें मुझे 373वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके पहले मैंने यूपीपीसीएस के माध्यम से डीएसपी के पद पर मेरा चयन हुआ था, जिसमें मुझे 20वां स्थान प्राप्त हुआ था। मैंने इंटरव्यू की जो तैयारी है वो अकेडमी में रह कर ही की है, और मुझे इसमें अकेडमी में जो मेरे साथ जो बाकी कैडेट्स हैं उनका भरपूर सहयोग मिला, क्योंकि वहाँ पर कोई कैडेट का हर एक अलग एक्सपीरियंस था, तो सभी ने मुझे गाइड किया। और सबसे अच्छी बात ये रही कि अकेडमी में सभी ने मुझे मोटिवेट किया और सब यही बोलते थे कि मयंक तुमको अकेडमी में नहीं रहना है, तुमको आगे जाना है, तुमको आईएएस बनना है। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल प्रूफ हुई और इसने मुझे आज ये मुकाम हासिल करने में एक अहम रोल निभाया। इसके पीछे मैं सबसे पहले तो अपने माता पिता, अपने बाबा का श्रेय मानता हूँ, जिन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया, हमेशा मोटिवेट किया। और मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरी वजह से मेरे परिवार का, मेरे शहर का, मेरे गांव का नाम रोशन हुआ है। और बाकी मैं अपने एकेडमी में भी अपने बहुत सारे दोस्तों का सहयोग मानता हूँ, जिन्होंने मुझे हमेशा प्रेरित किया कि मयंक तुमको आगे बढ़ना है, तुमको यहाँ नहीं रहना है, तुमको और मेहनत करनी है और तुमको आईएएस बनना है। मुझे लगता है कि किसी भी बेटे के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यही होगी कि अगर उसके नाम से उसके माता पिता का नाम रोशन हो। और आज मुझे कहते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरी वजह से मेरे माता पिता आज बहुत ही खुश हैं, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये मेरा पहला मेंस का प्रयास था और मैंने अपने पहले ही प्रयास में ये परीक्षा पास की है। और मैं जब पढ़ाई करता था तो घंटे नहीं देखता था उसमें, चाहे एक दिन में 16 घंटे हो जाएं या फिर कभी कभी कम भी हो जाते थे, डेली तो नहीं हो पाते थे एक जैसे घंटे, लेकिन हाँ जो टारगेट था उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करता था। जो भी सर्विस की डिमांड होगी, मैं जिस भी सर्विस में जाऊँगा पूरी ईमानदारी के साथ और ऑनेस्टी के साथ अपना वर्क करूँगा और जनता की सेवा जिस भी प्रकार से हो पाएगी करने का प्रयास करूँगा। बेटे ने संघ लोक सेवा आयोग की 2023 की जो है परीक्षा पास की, और जिसमें इनकी 373वीं रैंक आई है। और ये 16 तारीख को इनका रिजल्ट करीब 1:30 बजे मुझे पता लगा। जो है बेटे का ही फोन हमारे पास आया था, मैं कलेक्ट्रेट में ऑफिस में था तो वहीं पे बेटे का फोन आया कि पापा जो है यूपीएससी का रिजल्ट निकल गया है। तो सुन के बड़ा प्रसन्नता हुई और बड़ा अच्छा लगा, जो है बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं सब। प्रभु की, श्री राम की कृपा है और सब बुजुर्गों का, गुरुजनों का और आप सबका जो है आशीर्वाद है। इन्हीं सबकी कृपा से जो है बेटे ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया और सब पूरा परिवार जो है अपने को बड़ा जो है धन्य मान रहा है। लोकलिटी इन कन्नौज से अंजलि शर्मा की रिपोर्ट।